खबर गोटे गांव से। तहसील गोटे गांव अंतर्गत आने वाले ग्राम बेलखेड़ी में शेर नदी उफान पर। आपको बता दें 27 जून की रात में जिले में भारी बारिश के कारण 28 जून की सुबह नरसिंहपुर से जबलपुर जाने वाला मार्ग करीब 3 घंटे बाधित रहा। शेर नदी के दोनों तरफ भारी जाम देखने को मिला, जिससे आने जाने वालों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पानी पुल के नीचे हो जाने के बाद भी कम से कम 1 घंटे बाद वाहनों की आवाजाही चालू हुई। पुलिस बल भी रहा मौजूद। प्रशासन की तरफ से जेसीबी मशीन के द्वारा मलबा हटाया गया, उसके बाद वाहनों की आवाजाही चालू हो पाई। जाम में कई घंटे फंसे रहे इमरजेंसी जाने वाले, जिसमें एक एम्बुलेंस में एक पेशेंट था, जिसे 4 घंटे इंतजार करना पड़ा। एम्बुलेंस के ड्राइवर ने बताया कि पेशेंट को जितना जिला चिकित्सालय लेकर जा रहे थे, जिसका ऑपरेशन होना था, लेकिन नदी पुल के ऊपर आ जाने के कारण हमें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। देखिए, हम लोग लगभग 2 घंटों से यहाँ पर फंसे हुए हैं और बरसात की वजह से यह पुल डूबा हुआ है। प्रशासन से और हमारे सभी लोगों से यही मांग है कि यहाँ पर उत्तम व्यवस्था की जाए और व्यवस्था सुचारू रूप से यहाँ का यातायात चालू कराया जल्द से जल्द, जिससे हम लोग अपने काम पर जा सकते हैं। कहाँ से आ रहे हैं? जबलपुर से आ रहे हैं। थैंक यू सर। कब के खड़े हैं आप? खड़े हो गए भैया यहाँ पे 8 बजे, सुबह 8 बजे से खड़े हैं पेशेंट को लेकर, और अभी 12 बज रहे हैं सब। अच्छा। और अभी पुल जब खाली हो जाएगा तो यहाँ से निकलने को मिलेगा। 8 बजे से पुल जाम। इमरजेंसी है? इमरजेंसी है, डिलीवरी पेशेंट है गाड़ी में, प्रोसीजर से ऑपरेशन होना, तो किसी छोटी अस्पताल छोड़ नहीं सकते, जिला चिकित्सालय ही जाएगा, इसलिए सुबह से लेते हैं। खबर भारतवर्ष के लिए नरसिंहपुर गोटे गांव से मनोज यादव की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।